आजादी दे जश्न ते पटियाले दे विच मुख्यमंत्री साहब वालों बड़े बयान दिते गए सी। सरकार वालों हड़ पीड़ता नूं चैक देण दे, हड़ पीड़ता नूं राशि देण दे, पर हैरानी इस गल दी आ अजे तक भी चैकां विच दित्ती राशि दे अंकड़े ओह बुझारत बने हुए ने। ना कोई अधिकारी, ना कोई सरकारी तौर ते कोई प्रेस नोट अज तक ये नहीं दसण च कामयाब होया कि मुख्यमंत्री साहब वालों हड़ पीड़ता नूं दित्ती मुआवजे की राशि दे विच चैकां दे विच किन्नी राशि आ, जां पटियाले जिले दे किहड़े पिंड दे विच किहड़े परिवार नूं उहदी फसल खराब होई दा, उहदे पशु मरे दा, उहदे घर टहण दा, उहदे मतलब जो नुकसान होया उहदा किन्ना मुआवजा किहड़े पिंड दे विच किस परिवार नूं दित्ता, ये भी ज़िला प्रशासन दसण विच नहीं सफल होया। ये जानी बुझारत बने हुए ने, मुख्यमंत्री साहब वालों वंडे चैक ते चैकां भी दित्ती राशि, मतलब बड़े हैरानी वाली गल आ। सानू अज बड़ी चिंता कि BBMP दे चेयरमैन साहब ने मतलब जो अपना कंट्रोल साडा स्थाई मैंबरशिप सातों खोही है पंजाब दी, उहदा असर पाउणा शुरू करता। भाखड़ा डैम दा पानी समय सिर पहलां डिस्पोज ऑफ ना करन तों मतलब अज चिंता बनी हुई आ। जिस तरह फ्लड गेट भाखड़ा डैम दे खोले गए ते आले दुआले दे पिंडां विच पानी ने तबाही मचाई हुई आ, इहदा कारण आ कि सरकार ने समय सिर नोट्स ना लिया चेयरमैन साहब ने, और BBMP दे अधिकारियों की अणगहली कह लो, BBMP दे अधिकारियों ने मतलब किते ना किते लापरवाही वरती आ, उहदा खमियाजा अज पंजाब नूं भुगतना पै रहा। अज हिमाचल वर्गे सूबियां नूं भी इह गल मननी पएगी कि हिमाचल तो आए पानी की तबाही का सेक जिहड़ा है वह पंजाब के लोगों नूं झलना पैंदा। ये अज भाखड़ा डैम तो छड्डे मड़ फ्लड गेट खोल के पानी जिहड़ा है उहदी तबाही तो देखा जा सकता। सो मैं समझदा अज पंजाब सरकार नूं ये जिहड़े अहम मसले ने केंद्रीय टीम अगे रखण की लोड़ सी कि जे कंट्रोल पंजाब कोल होवे ता पंजाब दे अधिकारी अपने तरीके नाल इस पानी नूं डिस्पोज ऑफ करते ने, पर ना होण करके कंट्रोल अज उहदी तबाही हो रही आ। दूजे पासे नदियां नालियां नूं चैक डैम लाउण लई, उहनां नूं डीसिल्ट करन लई, उहनां नूं चैनलाइज़ करन लई जिहड़ियां भी जरूरतां सी ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਵਾਜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੋ ਜੁੱਤੀ ਹੋਏ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਏ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਆਪ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ